तो आज का हमारा टॉपिक है ANN ट्रेनिंग, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को दिमाग में याद रखना है कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव मतलब कि कंटिन्यूअस ये चलते रहती है, हर एक बार मीन्स राउंड बाय राउंड। पहला राउंड हो गया, उसमें जो आउटपुट आया उसको नेक्स्ट राउंड में फिर और आउटपुट को बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो वहां पर मैंने ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को लर्निंग करने का तरीका बताया था कि ANN लर्न कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए तो पहले वो एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ANN जो है वो लर्निंग मेथड पे काम करते हैं, यानी कि ANN अपनी गलतियों से सीखता है। हर एक राउंड में वो अपना एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच में जो गैप है उसको कवर करने की कोशिश करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले कि ANN कैसे इटरेटिव प्रोसेस है, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स है, सारे स्टेप्स को इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ANN अपनी गलतियों से सीखता है, समय के साथ वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है, अपनी गलतियों में सुधार करता है और हम लोग को आउटपुट और अच्छा से अच्छा बेटर से बेटर आउटपुट देता है। एक स्टेज के बाद आउटपुट बेटर होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे चुका है, तब हमारी मशीन या फिर जो इटरेटिव प्रोसेस है वो इटरेशन वहीं पर रुक जाएगी। जब हर एक दो तीन स्टेप्स के बाद, दो तीन इटरेशन के बाद जब हमारा आउटपुट सेम ही आ रहा होगा तो हमारी इटरेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो यह है सबसे पहला मेजर पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है कि होता क्यों है, कहाँ स्टार्ट होता है और कैसे स्टॉप होता है। तो हम लोग ट्रेन करने के लिए, मीन्स ANN को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले जो हमारे वेट्स है, हर एक इनपुट में हमारे पास कुछ ना कुछ वेट्स रहते हैं जो बताते हैं कि उस इनपुट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप लोग अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का कुछ क्रेडिट रहता है, किसी सब्जेक्ट का क्रेडिट 2 रहता है, किसी का 1.5, किसी का 1, किसी का 0 भी रह सकता है अगर ऑप्शनल है तो। तो उसी तरह से वो सब्जेक्ट क्या बताता है कि वो सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस है, वो क्रेडिट बताता है कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स के लिए। उसी तरह से हर एक इनपुट में यहाँ पर कुछ वेट्स रहते हैं जो बताता है कि ये इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना ये परसेंटेज लेता है। तो हम लोग हर एक इटरेशन में क्या करते हैं, मशीन यानी कि ANN अपने आप से उस वेट्स को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, वो अपने वेट्स को एडजस्ट करती है और हम लोग की आउटपुट हर एक इटरेशन में अच्छी होती रहती है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या है, तो एक एक स्टेप्स को हम लोग अब डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला और बेसिक स्टेप है डाटा प्रिपरेशन, यानी कि डाटा को प्रिपेयर करना, हर एक पॉसिबल जगह से इनपुट लेना और उस इनपुट में मिसिंग वैल्यूज को फिल करना, डाटा को क्लीन करना, अगर मीन्स रिपीटेड डाटा है तो उन सबको हटाना, ये सब हम लोग करते हैं डाटा प्रिपरेशन स्टेप में। तो ये बहुत ही बेसिक है, आप लोग को आराम से याद रहेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिसाइड करना। आर्किटेक्चर में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कौन सा लेयर यूज करना है, मीन्स कितने लेयर्स यूज करने हैं, हिडन लेयर्स कितने रखने हैं और एक एक लेयर में कितने न्यूरॉन्स को डालने हैं, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन क्या क्या यूज करने हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन है जैसे कि रेलू, टैन एच, फिर आपका आता है सिग्मोइडल, तो कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग को यूज करना है, स्ट्रक्चर हर एक न्यूरॉन्स को कितने लेयर्स में कितने न्यूरॉन्स रखने, ये सब हम लोग देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज जो कि है फॉरवर्ड प्रोपागेशन। फॉरवर्ड प्रोपागेशन यानी कि फॉरवर्ड तरफ जाना, यानी कि आउटपुट की ओर बढ़ना, इनपुट दिया, इनपुट को फॉरवर्ड किया नेक्स्ट लेयर पे, फिर वहां से फॉरवर्ड किया नेक्स्ट लेयर पे, फिर ऐसे जाते जाते फाइनली वो आउटपुट में शो करेगा, आउटपुट लेयर तक पहुंच जाएगा। तो फॉरवर्ड प्रोपागेशन एक बहुत ही मेजर स्टेप है हमारे ANN को ट्रेन करने के लिए। हर एक लेयर में कुछ ना कुछ वेट्स रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन फंक्शन रहेंगे, तो उस वहां पर वो कैलकुलेट होगा, एग्रीगेट होगा, फिर नेक्स्ट लेयर पे जाएगा, नेक्स्ट लेयर पे फिर उस पर काम होगा, फिर एक्टिवेशन फंक्शन यूज होंगे, वेट्स रहेंगे कुछ ना कुछ। तो इस तरह से फॉरवर्ड प्रोपागेशन को फॉलो करके हम लोग नेटवर्क को ट्रेन करते हैं हर एक इटरेशन में, हर एक राउंड में। फिर हमारे पास आता है लॉस फंक्शन। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन करने के बाद हम लोग एक आउटपुट फाइनली मिलेगा ही, आउटपुट लेयर पे हम लोग आउटपुट मिलेगा, फिर हम लोग निकालेंगे लॉस फंक्शन, यानी कि जो हम लोग का प्रेडिक्टेड आउटपुट आया और जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसको इसका नाम है लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करना। उसके बाद आता है बैक प्रोपागेशन। बैक प्रोपागेशन में क्या होता है, जो हमारा लॉस फंक्शन आया मीन जितना का डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम लोग बैक प्रोपागेट करते हैं नेटवर्क पे कि मुझे इतना का डिफरेंस आया, इस हिसाब से तुम अपना वेट्स एंड बायसेस को चेंजेस करो, वेट्स में हम लोग चेंज करते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट राउंड में
और बेटर कर सके। और जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट स्टेप में और बेटर कर सके, यानी कि इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, यानी कि हम लोग नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करते हैं। जो हमारा पहला राउंड में जो डिफरेंस आया उसको बैक प्रोपागेट किया, बैक प्रोपागेट करने के बाद नेटवर्क को पता चल गया कि कहाँ कितने चेंजेस करने हैं, तो वो अपने वेट्स में चेंजेस करेगा। हो सकता है दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन अब यूज़ करे और चेक करे कि क्या रिजल्ट पहले से बेटर आया या खराब आया। अगर बेटर आता है तो फिर से लॉस फंक्शन कैलकुलेट होगा, फिर से बैक प्रोपगेशन होगा, फिर से नेटवर्क ऑप्टिमाइज होगा। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि वेट्स एंड बायसेस को अरेंज करना, यानी कि उनमें उनको ठीक करना, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिपीट, यानी कि सिंपली जो हम लोगों ने प्रोसेस किया इसको रिपीट करते जाना है। तो यही था ANN ट्रेनिंग के अंदर। अब इन सब चीज़ों को जो मैंने कहा, इन सब को अब चलिए एग्जांपल के साथ हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये सब जो भी मैंने अभी आप लोग को शेयर किया ये सब कुछ आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से आप लोग जाके नोट्स को एक्सेस करना ना भूलें, ताकि आप लोग को क्लियर पता चल जाए कि आप लोग को एग्जाम में लिखना क्या है और कैसे लिखना है इनको, ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिले। तो चलिए अब चलते हैं आगे और इनको अच्छे से समझते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहला स्टेप इसमें आता है वो है डाटा प्रिपरेशन, मतलब कि डाटा को प्रिपेयर करना। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखे स्किप ना करें, क्योंकि ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला आता है डाटा प्रिपरेशन। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हम लोग रॉ डाटा को प्रिपेयर करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ से पॉसिबल है हम लोग इनपुट डाटा को लेंगे अपने पास और इकट्ठा करके एक जगह स्टोर कर देंगे, यानी कि न्यूरॉन्स के फॉर्म में स्टोर कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा स्टेप वो था नेटवर्क का आर्किटेक्चर को डिसाइड करना, नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कितने लेयर्स रखने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास बेसिकली तीन लेयर्स होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। तो इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि इनपुट लेयर तो एक ही होगा जो न्यूरॉन्स है, लेकिन यहाँ पर बीच में आ जाता है फैक्टर कि हम लोग को हिडन लेयर कितना रखना है, एक हिडन लेयर रखना है या फिर दो हिडन लेयर रखना है। यहाँ पर मैं दो हिडन लेयर रखता हूँ और एक आउटपुट लेयर। और जैसे कि आप लोग आर्किटेक्चर पता है कि हर एक इनपुट हर किसी के साथ कनेक्टेड रहेगा इस तरह से। उसी तरह से ये भी कनेक्टेड रहेंगे एंड फिर ये। तो ये है सिंपल सा आर्किटेक्चर जो आप लोग को याद रखना है। ये हम लोग यहाँ पर इस स्टेज में डिसाइड करते हैं कि हम लोग को हिडन लेयर्स कितने रखने हैं। यहाँ पर मैंने दो हिडन लेयर रखे हैं। उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप वो आता है इनिशियलाइजेशन। ये स्टेप आप लोग को ध्यान में रखना है, इनिशियलाइजेशन जो भी है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें अब हम लोग को ये जो इनपुट है इनपुट्स को डिसाइड करना है और इनके वेट्स डिसाइड करना है। यहाँ पर हर एक इनपुट और हिडन लेयर के बीच में एक वेट्स रहेगा। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा इनपुट है, ठीक है, और इस ये कनेक्टेड होगा एक वेट से। ये मान लीजिए वेट है, ये इनपुट है, ये इनपुट इस वेट से कनेक्टेड रहेगा और ये वेट जाके आगे हिडन लेयर से कनेक्टेड रहेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये हिडन लेयर में ये दोनों का सम यहाँ पर निकलेगा। हिडन लेयर में इन दोनों का सम निकलेगा, एग्रीगेट मींस मल्टीप्लाई करके। मान लीजिए मैं इनपुट लेता हूँ x1 और वेट है मेरा w1, ठीक है। तो ये क्या होगा, x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 इज इक्वल टू एक हम लोग का आउटपुट मिलेगा जो कि हम लोग का पहला हिडन लेयर में आएगा। फिर सेम वैसे ही x1 इंटू w2 करेंगे और x2 इंटू w2 करेंगे और यहाँ पर हम लोग को और एक मिलेगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट हम लोग का जाएगा यहाँ पर मान लीजिए, और फिर यहाँ पर आउटपुट लेयर है, बस एक ही हिडन लेयर रखा है और यहाँ पर फिर आउटपुट। तो इस तरह से आउटपुट हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर और भी हिडन लेयर हो सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था फॉरवर्ड प्रोपागेशन। ये तो मैंने बता ही दिया कि इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में इनपुट दिया, इनपुट के बाद वेट से कैलकुलेट हुआ, इस तरह से वेट कैलकुलेट होते हैं इस तरह से। उसके बाद ये फॉरवर्ड जाके हिडन लेयर पे जाएगा, हिडन लेयर से ये हिडन लेयर में क्या रहता है हमारे पास, हिडन लेयर में हमारे पास रहते हैं एक्टिवेशंस फंक्शंस रहते हैं हमारे पास हिडन लेयर में, लाइक सिग्मोइडल या फिर रेलू या फिर टैन एच, इस तरह से हमारे पास एक्टिवेशंस फंक्शंस रहते हैं। उनको साथ इन ये कैलकुलेट होगा, ये सम आएगा, ये हिडन लेयर में उस एक्टिवेशन फंक्शन के साथ कैलकुलेट होगा और हम लोग को आउटपुट जनरेट होगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था
लॉस फंक्शन, यानी कि अब मान लीजिए मुझे ये क्या है, मुझे पहले से आउटपुट पता थी, मैं यहाँ लिखता हूँ, मुझे पहले से आउटपुट पता थी, ये मेरा था एक्चुअल आउटपुट जो मुझे आना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट जो मुझे मिलना चाहिए था, और मुझे मिला ये, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये मिला, ये आ गया प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को इस स्टेज में कैलकुलेट होगा, जिसका नाम है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन में ये दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो लॉस फंक्शन आया है ये होगा बैक प्रोपागेट। बैक प्रोपागेट इस नेटवर्क, जैसे फॉरवर्ड प्रोपागेशन हुआ, इसी तरह से अब ये बैक प्रोपागेशन होगा, जो भी लॉस मिला है मीन्स जितना का डिफरेंस मिला है वो नेटवर्क वापस जाएगा, और वापस जाने के टाइम क्या होगा, यहाँ पर जो वेट्स है, अब इस वेट्स में हम लोग मीन्स चेंजेस करेंगे। ये तो इनपुट सेम रहेगा, एक्टिवेशन फंक्शन भी सेम रहेगा, हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, वेट्स में चेंज करेंगे। मान लीजिए पहले मेरा वेट था W1, अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए W3 बना लेंगे वेट को। तो इस तरह से वेट में चेंजेस आएगा, मीन्स पहले मान लीजिए 1 किलो वेट लिया था, तो अब मैं 3 किलो वेट लेके देखूंगा कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, पहले से बेटर आ रहा है कि नहीं, इस तरह से डिपेंड करता है। और एक्टिवेशन फंक्शन भी, अगर वेट पे भी फर्क नहीं पड़ा तो हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं। पहले मान लीजिए मैंने सिग्मोइडल एक्टिवेशन फंक्शन लिया था, तो इस बार मैं टैन एच एक्टिवेशन फंक्शन लूंगा। ये हो गया बैक प्रोपागेशन। बैक प्रोपागेशन हम लोग पीछे जाएंगे, और पीछे जाने के बाद सारे वेट्स एंड बायसेस को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब यही कि ऑप्टिमाइज करेंगे नेटवर्क को, ताकि हम लोग को बेस्ट रिजल्ट मिले। मान लीजिए इसको मैंने W3 दे दिया और इसको मैंने W0 दे दिया, तो इस तरह से उसका वेट को बढ़ा दिया और इसका वेट को कम कर दिया, या फिर दोनों के वेट्स को इंटरचेंज कर दिया और चेक किया कि आउटपुट पहले से बेटर मिल रही या नहीं। इस तरह से हर एक इटरेशन होते रहेगी, और ये स्टेप हम लोग को रिपीट करते रहना है। तो ये था फाइनली आप लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 रिपीट। तो ये था हमारे पास फाइनली 7 स्टेजेस जो आप लोग को जानना था। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, आप लोग को ये एग्जाम में आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये स्टेप्स, स्टेप वन फिर स्टेप टू, दो दो लाइन लिख दीजिएगा सबको, और लास्ट में अगर हो सके तो ऐसा एक डायग्राम बना दीजिएगा, आप लोग का फुल मार्क्स कंफर्म है, 100% फुल मार्क्स है। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो गलती से भी छोड़िएगा नहीं, ये आप लोग को फुल स्कोर करने के लिए मदद करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, जो कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है कि एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह से नेटवर्क के आर्किटेक्चर को हैम्पर करता है या फिर यूज करता है, मीन्स एक्टिवेशन फंक्शन का क्या रोल है नेटवर्क के आर्किटेक्चर में, ये आप लोग से कॉमनली पूछा जाता है। तो आप लोग को वही बताना है इसमें, आप लोग को फिर क्या करना है, आप लोग को हर एक एक्टिवेशन फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हमारे पास है रेलू, फिर है आपका टैन एच, फिर है सिग्मोइड, फिर है आपका डाइंग रेलू एंड ETC, और भी हमारे पास है, आप ये चार मेंशन कर देंगे तो ये मोर देन एनफ है। दो दो मार्क्स सब एक पॉइंट को आप लोगों को सबको एक्सप्लेन करना है कि रेलू करने से क्या होता है, टैनेज करने से क्या होता है, सिग्मोइड करने से क्या होता है, एंड डाइंग रेलू करने से क्या होता है। इसके बाद जो आता है हमारे पास, वो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन सैलो SHALLOW सैलो एंड डीप, सैलो एंड डीप आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में सैलो एंड डीप आर्किटेक्चर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि सैलो आर्किटेक्चर में क्या होगा, हिडन लेयर्स हमारे पास कम रहेंगे, और डीप आर्किटेक्चर में क्या होगा, हिडन लेयर्स हमारे पास ज़्यादा रहेंगे। इसका आर्किटेक्चर जो है वो ज़्यादा सिंपल होगा इसके आर्किटेक्चर से, ये आर्किटेक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इसके मुकाबले। तो ये दोनों डिफरेंस है मेजरली, और आप लोग को ये जो सैलो और डीप आर्किटेक्चर, ये आप लोग MCQ में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स इन ANN आर्किटेक्चर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर इन ANN आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आप लोग को नाम से ही गेस करना है कि फुल्ली कनेक्टेड यानी कि हर एक न्यूरॉन हर एक नोड के साथ कनेक्टेड रहेगा, कोई भी छूटेगा नहीं। मान लीजिए ये इनपुट है, यहाँ पर और इनपुट है, यहाँ पर और इनपुट है, फिर यहाँ पर फाइनली हिडन लेयर्स है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा, कोई किसी के साथ मीन्स कोई भी मिस नहीं होगा। ये सिंपल इसका डेफिनेशन होता है कि ईच नोड इज कनेक्टेड विद द अदर नोड इन द नेक्स्ट लेयर।
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डेंस लेयर भी कहा जाता है इसको, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नाम दे सकता है कि डेंस लेयर क्या होता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि फुल्ली कनेक्टेड, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब फुल्ली कनेक्टेड लेयर इन ANN आर्किटेक्चर, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा के पूछ देगा कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर के बारे में लिखो, लिखना तो वही सेम है जो पहले पढ़ा है वही लिखना है, लेकिन बस नाम चेंज कर देगा कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर क्या होता है। तो ये तीन थे मेजर क्वेश्चंस जो आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं मेरे नोट्स में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स को एक्सेस कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, लिखना कैसे वो भी पता चल जाएगा, और मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया सब वहाँ पर इन डिटेल्स लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।